हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है समायरा नरूला एंड फैमिली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को करिए प्रेस ताकि हमारे सारे व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस आप सभी तक आ जाएं। समायरा यहाँ पे कर रही है ब्रेकफास्ट और आज है चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। यूट्यूब के सारे फ्रेंड्स को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, नन्हे मुन्ने बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज है समायरा के स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन। समायरा ने बात कर लिया है, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम समायरा को रेडी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि समायरा ने कौन सी आउटफिट पहनी है और स्नैक्स में देने के लिए भी किचन में सब कुछ रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने समायरा के लिए क्या बनाया है। मैंने समायरा के लिए बनाए हैं पीस पुलाव, क्योंकि आज लंच नहीं देना है, हाफ डे है, इसीलिए सिर्फ एक ही स्नैक बॉक्स देना है उसके लिए, राइस गर्मा गर्म। समायरा का ब्रेकफास्ट हो गया है और रेडी भी हो गई है, तो चलो आपको दिखाते हैं कि समायरा कैसी लग रही है। समायरा ने पहना है आज लहंगा और ये समायरा येलो और पिंक कलर का लहंगा पहन के देखो कैसी लग रही है। साथ में मैचिंग पर्स भी है, मिनी पर्स जो समायरा के शशांक अंकल ने गिफ्ट भेजा था, आज मैच कर गया है आउटफिट के साथ। शशांक अंकल को मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने मुझे इतना क्यूट सा मिनी पर्स भेजा जो मैं आज स्कूल लेकर जा रही हूँ। तो फिर एक्साइटेड और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज्यादा कि टीचर्स मुझे गिफ्ट देंगी। आपको कैसे पता गिफ्ट मिलेंगे आपको? क्योंकि पिछली बार हमें मिला था इरेजर, पेंसिल और शार्पनर। अच्छा, तो आपको इस बार भी लग रहा है कि टीचर्स आपको गिफ्ट्स देंगी? क्योंकि मैं टीचर्स डे पर उनको गिफ्ट देती हूँ, तो आज उनका भी फर्ज बनता है मेरे को देने के लिए। डियर टीचर्स, टीचर्स आपका व्लॉग देखेंगे बाद में। आज नहीं मिला तो फिर कल तो पक्का ही मिल जाएगा। चलो टीचर्स नहीं देंगे तो मम्मा पापा तो है ना आपको गिफ्ट देने के लिए। आप भी दे रहे हो क्या? लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी लग जाएगी जब आप स्कूल से आओगे, तो फिर हम भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे पीछे से। ओके okay? फिर हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके ओके, चलो आप मुझे जल्दी स्कूल छोड़ कर आओ, टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है 8:15 और स्कूल कितने बजे आपको पहुंचना आज? 8:30, तो पहुंचते ही 8:30 हो जाएंगे। हाँ, तो चलो चलते हैं। ओके okay. तो फ्रेंड्स, मायरा को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करके और घर के सारे काम करके पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं और बज गए हैं 12:40 पे समायरा की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी आज। तो हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स हैं समायरा के लिए गिफ्ट परचेज करने के लिए, तो चलते हैं हम घर के आसपास कोई शॉप ढूंढते हैं और समायरा के लिए गिफ्ट परचेज करते हैं। हम गिफ्ट शॉप पर आ चुके हैं और देखते हैं समायरा के लिए यहाँ पे कोई टॉय या फिर कोई एजुकेशनल गेम समायरा के पापा सिलेक्ट करेंगे। देखो आपकी चॉइस अच्छी है इस मामले में। यूनिकॉर्न स्क्रैप बुक, क्या क्या है इसमें? स्क्रैप बुक बना सकते हो ऐसी फोटोज पेस्ट करके, गार्डन की फोटो और फैमिली फोटो, फ्रेंड्स के साथ पार्क की फोटो, फिर फैमिली के साथ। और क्या है ये? क्या पार्टी पैक? हमने समायरा के लिए गिफ्ट परचेज कर लिए हैं और हो गई है 12:30। अभी जल्दी से एक गिफ्ट घर पे रखते हैं और समायरा को पिक करने चलते हैं। मैं स्कूल से आ गई। तो कैसा रहा आपका चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन? बहुत अच्छा था, लेकिन गर्मी थी। गर्मी थी, आज धूप बहुत तेज आई थी ना। Yes. अच्छा, तो गिफ्ट मिला या नहीं? मिला। क्या मिला? दिखाती हूँ मैं। फाइनली गिफ्ट तो मिला कुछ। ओ, लेस, बच्चों के फेवरेट लेस। मंच, वाओ। आपने खाया नहीं स्कूल में? मैंने खाया नहीं ताकि मैं यूट्यूब फैमिली को भी दिखा सकूं कि मुझे क्या क्या मिला। अच्छा, तो सारे बच्चों ने खा लिया या वापिस ले गए सभी? खा लिया था, पूरा डस्टबिन भर गया था। सिर्फ आपने नहीं खाया है ना YouTube फैमिली को दिखाने के लिए। yes. तो अभी आप हमारे साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करोगे? yes. हम भी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हो? वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, फिर हम केक काट लेते हैं, फटाफट मुझे गिफ्ट दे दो। केक कहाँ है? केक कौन लेकर आया? किसने बोला आपको केक लेकर आए हम? फिर गिफ्ट दे दो। तो दे देंगे गिफ्ट, पहले मेरे को ये बताओ केक कौन लेके आया आपके लिए? आपको किसने बोला कि केक आया घर पे?
हम तो नहीं गए हैं यूट्यूब फैमिली को लेकर अभी तक कुछ भी केक वगैरह लेने, सिर्फ गिफ्ट लेने गए थे। जब भी चिल्ड्रंस डे होता है, कोई माइलस्टोन होता है, बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, तब आप केक लेकर आते हो ना, इसलिए मुझे लगा कि आप चिल्ड्रंस डे पर भी केक लेकर आओगे। हम तो केक नहीं लेकर आए हैं अभी तक तो, लेकिन आपको चाहिए तो हम ले आएंगे। आप चाहते हो हम केक काटे आज? यस। ठीक है, हम केक काट लेंगे। पहले हम करते हैं लंच, उसके बाद हम करेंगे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट और स्मायरा के साथ करेंगे ढेर सारी मस्ती और फन। तो आपको दिखाते हैं कि हमने लंच में क्या बनाया है। ये है हमारा आज का लंच, मैंने बनाए हैं ड्राई पटेटो और साथ में स्मायरा ने ले ली है कर्ड और रोटी। स्मायरा आपको अच्छे लगते हैं ना पटेटो? यस। ड्राई पटेटो? यस। चलो टेस्ट करके बताओ यूट्यूब फैमिली को कैसे बने हैं। कैसे है? यम्मी यम्मी, करारे हैं, डिलीशियस, करारे बने हैं ना, क्रंची बने हैं, क्रंची बने हैं। यस, हम तो करारे बोलते हैं, आजकल की जनरेशन क्रंची बोलती है। और जलने वाले क्या बोलते हैं? जला दिए आलू। तो ये क्रंची है और करारे हैं, जले हुए नहीं है। किसके फेवरेट है हमें कमेंट्स में बताइए गाइस। लंच हमारा हो चुका है और स्मायरा को चाहिए आज केक, लेकिन हम तो केक लेकर नहीं आए हैं, तो हम चाहते हैं कि स्मायरा खुद जाए अपने पापा के साथ और केक लेकर आए। स्मायरा के पापा, यस, फ्री हो आप? यस। तो आप जाओ फिर स्मायरा के साथ। वैसे हम केक इतना करेंगे क्या? सही बात है, इतना बड़ा केक क्या करेंगे हम? एक काम करो, फिर हम पेस्ट्री ले आते हैं। आप ऐसे करो, 3 पेस्ट्रीज ले आओ, है ना? Okay. वेस्ट भी नहीं होगा और हम अपनी अपनी पेस्ट्री खा भी लेंगे और हम तीनों अपनी पेस्ट्री यूट्यूब फैमिली को शेयर भी करवा देंगे। ओके, तो आप जाओ, पीछे से मैं पूरा सेटअप करती हूँ स्मायरा को गेम्स प्ले करवाने के लिए। ओके ओके, गो। स्मायरा और स्मायरा के पापा पेस्ट्री लेकर आ चुके हैं और बॉक्स देखकर मुझे लगता नहीं है कि इसमें 3 पेस्ट्रीज हैं, लग रहा है कि एक ही है। कोई बात नहीं, हम शेयर करके खा लेंगे। और स्मायरा को गिफ्ट देने से पहले हम करेंगे स्मायरा के साथ कुछ गेम्स प्ले, और स्मायरा के साथ बनना पड़ेगा हम दोनों को भी बच्चे, तभी मजा आएगा गेम्स खेलने में, क्योंकि और बच्चे तो हमारे घर में है नहीं और हम फैमिली से भी बहुत दूर हैं, तो स्मायरा के साथ हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम 3 या 4 गेम्स खेलेंगे आज। सबसे पहली गेम जो हमारी है वो है अल्फाबेट गेम। स्मायरा आप ध्यान से सुन लो कि इसको प्ले कैसे करना है। अल्फाबेट को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलना है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे। ओके, जिस पर अपने नाम का अल्फाबेट आ गया वो गेम से आउट, फिर जो 2 रह जाएंगे उनके अंदर बैटल होगी। ओके, जैसे आपका नाम है स्मायरा, अगर एस लेटर आपके ऊपर आ गया तो आप आउट हो गए। ओके फाइन, तो करें स्टार्ट फिर पहली गेम। यस, लेकिन ये पहली गेम हम स्टार्ट करेंगे बड़ों से, छोटों से नहीं करेंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गेम चलेगी, बड़ा छोटा छोटा। ओके ओके, चलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, बोलो टी के बाद यू वी। ठीक है, पापा के बाद मेरी टर्न है ना, फिर से ए से स्टार्ट करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ। पहली गेम में स्मायरा जीत गई, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया, छोटे से बड़ा करना था। चलो, एक गेम हमारी हो गई है, उसके बाद हम नेक्स्ट गेम आपको बताते हैं। मम्मा मुझे एक बात बताओ, ये जो आप मुझे गेम्स खिलवा रहे हो, अगर सारे गेम्स की विनर मैं हुई तो मुझे सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे? सारे क्या, 2 ही गिफ्ट्स है मेरे पास, और जो सबसे ज्यादा गेम्स जीतेगा उसी को मिल जाएंगे वो दोनों गिफ्ट। पहले राउंड में स्मायरा जीत चुकी है और नेक्स्ट राउंड जो हमारा है वो है छोटा हाथी बड़ा हाथी।
जैसे हम अपने बचपन में खेलते थे कच्चा पापड़ वैसी गेम है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्मायरा और स्मायरा के पापा। ओके, तो गेम कुछ इस तरह से है, हम छोटा हाथी बोल रहे हैं तो आपको एक्शन बड़ा हाथी वाले करने हैं, और जब बड़ा हाथी बोल रहे हैं तो छोटा हाथी वाले एक्शन करने हैं, तो जो बीच में अटक गया वो आउट हो गया। ओके, तो स्मायरा और स्मायरा के पापा में से देखते हैं कौन जीतता है। आर यू रेडी? यस। ओके, ध्यान से सुनना है और गेम को खेलना है। ओके, छोटा हाथी बड़ा हाथी, छोटा हाथी बड़ा हाथी, बड़ा हाथी पापा का फोकस टूट गया और हार गए। दो गेम्स में मैं विनर। ये गिफ्ट आप ही के लिए है, आप ही को मिलेंगे जैसे जैसे आप गेम्स जीतोगे। ये बात तो है। तो थर्ड राउंड पापा के साथ करना चाहते हो या मेरे साथ? जिसके साथ मर्जी करवा दो, हमें तो गिफ्ट से मतलब है। जीतना तो हमें ही है फिर भी बताओ पापा से। ओके, पापा के साथ। ओके, तो आप दोनों ने एक पोएम सुनी होगी, हेड शोल्डर नीज एंड टोस, हेड शोल्डर नीज एंड टोस। तो यही गेम है, जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आपने अपने बॉडी पार्ट को टच करना है। हेड बोलूंगी तो हेड को करना है, शोल्डर बोलूंगी तो शोल्डर को करना है, लेकिन राइम के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है वही बॉडी पार्ट आएगा। हेड शोल्डर नीज एंड टोस, हेड टोस नी एंड शोल्डर ऐसे भी हो सकता है। आपको सुनना है और फिर गेम प्ले करनी है। ओके, उसके लिए है मेरे पास टू कॉइंस जो मैं नीचे फ्लोर पे रख रही हूँ, एक स्मायरा के आगे और एक स्मायरा के पापा के आगे, और ये गेम खेलने के लिए आपको स्टैंड होना पड़ेगा। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे खेलना है, फिर आप खेलना। जैसे मैंने बोला हेड शोल्डर नीज टॉस, ठीक है, उसके बाद मैं एक स्ट्रेट हो जाओ, इसमें मैं एक ऐड करूंगी कॉइन। ओके, इसमें एक कॉइन भी ऐड हो जाएगा। ओके, और जब कॉइन मैं बोलूंगी तभी आपने फटाफट कॉइन पिक करना है, अगर आपका कॉइन पिक करना रह गया तो आप आउट, दूसरा जीत जाएगा। ओके, तो ये दुपट्टा दे दो मेरे को, आप कंफर्टेबली ये गेम प्ले करना। ओके, हेड शोल्डर नीज एंड टोस, हेड शोल्डर नीज एंड टोस, हेड शोल्डर नीज एंड टोस, कॉइन। कोई नहीं उठाया जा रहा कॉइन चिपक गया ये क्या हो रहा है यार, उठाओ नेल्स मत खाया करो, जब भूख लगती है नेल्स खा लेते हैं क्या से क्या हो गया उठाओ कितनी देर नहीं उठा पाओगे। Oh, finally. गेम तो आप हार गए, स्माइला जीत गई। हमारी नेक्स्ट गेम है डिस्पोजल ग्लासेस वर्सेस स्केच पेंस। तो ये जो स्केच पेंस हमारे पास पड़े हैं वही कलर का हमने कर दिया है मार्क, और अभी हम इन ग्लासेस को कर देते हैं सीधा। अभी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कौन से ग्लास के पीछे कौन से कलर का मार्क है, और एक ग्लास के अंदर हम रख देंगे सारे स्केच पेंस, ग्लासेस को कर देंगे शफल, और एक एक स्केच पेन हमें उठाना है और एक एक ग्लास के अंदर उसको डालना है। बाद में हम देखेंगे कि जो स्केच पेन जिस ग्लास के अंदर है उसके पीछे कलर सेम है या नहीं, अगर सेम होगा तो आपको मिलेगा एक पॉइंट। तो ये गेम हम तीनों खेलने वाले हैं। ओके, वन बाय वन। ओके, इंटरेस्टिंग है ना? Yes. सबसे पहले कौन खेलेगा? ठीक है, तो स्मायरा आप जल्दी से ग्लासेस शफल कर देना। आप देखो ऊपर पंखे पे मिट्टी है या नहीं? नहीं है, फिर क्योंकि मैंने ही थोड़े दिन पहले साफ किया था दिवाली पे। दिवाली पे उसके बाद मिट्टी नहीं आई? नहीं आई, हो गए तब तक स्मायरा ने कर दिए ग्लासेस शफल। तो चलो खेलो गेम। सारे रखने हैं हाँ। ओके, Yes, तो हम देखते हैं स्मायरा के पापा को कितने पॉइंट्स मिले। टू कैंसिल हो गया। वन पॉइंट, नो 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 नो, वन पॉइंट। स्मायरा नेक्स्ट आप खेलोगे? Yes. पापा का एक पॉइंट है, दो तो ले लेना आप, ठीक है? ठीक है,
स्मायरा वो देखो आपका फैमिली चैनल का यूट्यूब बटन, स्मायरा नरूल एंड फैमिली सिल्वर बटन। स्मायरा के पापा शफल करते हुए जल्दी से हो गया हो गया। चलो स्टार्ट द गेम। इसमें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हो सकती है। देखते हैं स्मायरा को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। नो जीरो 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 वन 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 वन। पापा के बराबर तो पहुंच गई। अभी मेरी टर्न है। ओके आप शफल करो। यस मैं कैमरा यहाँ रखती हूँ। नहीं 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 अभी बारी है स्मायरा की मम्मी की ये इस गेम को प्ले करने की। मम्मा देखो आपका घर साफ है या नहीं। घर साफ ही है। मैंने तो सफाई किया आज, मेरी छुट्टी पे थी। साफ है मैं नहीं देख रही हूँ। ठीक है नहीं देख। चलो हमने सारे कप शफल कर दिए। सारे कप शफल हो चुके हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। मम्मा तो फोकस से खेलेंगे ही नहीं क्योंकि मम्मा को तो गिफ्ट मिलेंगे ही नहीं ना। कोई बात नहीं। मम्मा जीत गई। जीत गई। स्मायरा की गिफ्ट दो स्मायरा को। वो अपने आप जा रही है रूम में पड़े हैं। मम्मा लेकर आएगी। आप जाओ ना लेकर आओ। जरा सबर करो। जाओ आप गिफ्ट ले आओ तब तक हम पेस्ट्री कट करते हैं। ओके जाओ उठो उठो बहुत सांस चढ़ गया। उठो उठो चलो चलो चलो। आपको पता ना कहाँ रखे थे हमने। चलो स्मायरा पेस्ट्री दिखाओ कौन सी लेकर आए थे आप। मैडम खा ही लेते हैं कट क्या करना है। हाँ है ना। चलो इसी से कट कर दो। Happy Children's Day to you. Happy Children's Day to YouTube friends. ये आप सबके लिए और ये स्मायरा के लिए और ये मम्मा के लिए। ब्लैक फॉरेस्ट और ये स्मायरा के लिए। चलो ओपन करके देखो इसमें क्या है। टू गिफ्ट लेकर आए आज हम आपके लिए। पहले हम ये गिफ्ट ओपन करते हैं। ओके बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये स्मायरा के लिए और होप बाकी बच्चों का भी फेवरेट होगा ये। यूनिकॉर्न स्लाइम। स्मायरा बहुत टाइम से बोल रही थी मुझे स्लाइम लेकर दो स्लाइम लेकर दो लेकिन स्लाइम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बट आज चिल्ड्रंस डे था तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे से बच्चों को ले लेती हूँ। कोई बात नहीं। स्लाइम का है तो बनाना है इसको आपने। ओह माय गॉड। स्लाइम बनानी है आपने लेकिन आज नहीं बनाएंगे हम फिर किसी दिन बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और स्मायरा को अभी स्टडी भी करनी है। जब भी हम बनाएंगे इस स्लाइम को तो फिर से आपके लिए व्लॉग शूट करेंगे। ओके स्मायरा अभी आप देखो कि नेक्स्ट गिफ्ट हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। इसमें है क्या क्या वो बता देते हैं हम यूट्यूब फैमिली को। यहाँ पे लिखा होगा बॉक्स पे लिखा होगा। बॉक्स पर भी लिखा होगा। हाँ ये रहा। इसमें है व्हाइट ब्लू कलर्स ग्लिटर स्लाइम एक्टिवेटर स्लाइम मिक्सिंग कंटेनर स्लाइम स्टोरेज कंटेनर इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिक्सिंग एंड मेजरिंग स्पून। हाँ तो ये सब अवेलेबल है इस बॉक्स के अंदर। तो जब स्मायरा की छुट्टी आएगी या फिर विंटर वेकेशन आएंगी तब हम इस स्लाइम को बनाएंगे। चलो नेक्स्ट गिफ्ट ओपन करो। आपको अच्छा लगा ये गिफ्ट। यस फाइनली मम्मा पापा ने परचेज कर लिया आपके लिए। कब से मैं बोल रही थी जब भी हम मार्केट जाते थे टॉयज लेने जाते थे स्मायरा के तो बोलते स्लाइम ले दो स्लाइम ले दो। मैं बोलती थी क्या स्मायरा ये क्या होती है स्लाइम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आज स्मायरा के पापा ने बोला कब से वो वेट कर रही है तो आज हम ले लेते हैं। और ये भी स्मायरा के काम की चीज है अप्सरा राइटिंग किट। इसमें क्या क्या है वो भी दिखाओ आप ओपन करके। ये तो ऑलवेज काम की चीज है। yes. जब देखो एग्जाम्स आते रहते हैं जब देखो टेस्ट आते रहते हैं जब देखो होमवर्क आता रहता है।
इसमें है फ्रोजन डिजाइन की पेंसिल, एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स कितनी है इसमें? आई थिंक 10 है। इसके अंदर शार्पनर और इरेजर भी है ब्लैक कलर का, डिफरेंट कलर निकला इस बार। हमेशा रेड येलो बस ये आते थे। इरेजर भी है, स्टार वाला इरेजर। ये क्या क्या बोलते हैं इसको, स्नो? फ्रोजन? नहीं नहीं फ्रोजन नहीं है, वो क्रिसमस पे वो होता है ना, वो जो हम ट्री पर लगाते हैं, स्नो वैसा लग रहा है मुझे, है ना। और ये फ्रोजन थीम की पेंसिल्स। ये देखिए, और साथ में है ये वाली पेंसिल्स अप्सरा की। ये ओपन करो आप। ओपन करती हूँ ना, ये आप पकड़ो। हाँ, वाओ, क्या मिला इसके अंदर दिखाती हूँ। ये देखो इरेजर के साथ क्या आया है, क्या आया है? खुलता नहीं है क्या ये? ये निकलेगा ना ऐसे। ये क्या है, इसका कवर है? नहीं, अगर आपको पकड़ने में दिक्कत होती है, अगर आपके हाथ से वो फिसल जाता है तो आप ये लगाकर उसको अच्छे से इरेज कर सकते हो। अच्छा, ये होल्डर है, इरेजर होल्डर। हमें तो मालूम ही नहीं था। सही में क्या क्या आ गया ना, हमें पता नहीं है। देखो थंब प्रिंट भी बना हुआ है। यस, इसको होल्ड करने के लिए। सही है, अच्छी चीज है। उसके बाद एप्सरा की ये वाली पेंसिल, एक्स्ट्रा डार्क एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, और ब्लू कलर का शार्पनर। फिर से पेंसिल बॉक्स, इसमें भी पेन, और वो होगा ना शार्पनर, इरेजर। ये देखो इसमें भी ब्लैक। लेकिन इसकी पेंसिल्स डिफरेंट है। ये क्या है? ये है ग्रिपो इरेजर। कौन सा इरेजर? ग्रिपो। ये ग्रिपो इरेजर है। ओके, ये रहा ये आपका। यस, ये से ये नॉर्मल है, और यहाँ पर थोड़ा वो वेस्ट जैसे डिजाइन बना हुआ है। यस, इसके अंदर है ये वाली पेंसिल्स। के बाद रेड कलर का शार्पनर, और ये मल्टी कलर के इरेजर। इरेजर कौन से हैं? ये पिंक कलर है। चलो खोल कर देखते हैं। खोल क्यों रही है, बस ऐसे ही दिखा देना, सारे यूज कर लेगी अभी देखना। ये ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है और पिंक है। मुझे यूज करने, इसलिए मैं खोल रही हूं। नहीं अभी नहीं करने है, अभी आपके पास जो है ना वही यूज करने है। और ये है अप्सरा का डिलक्स के, ये बड़ा इरेजर, और ये फिर से शार्पनर वर्सेस इरेजर है ना। ये वही है ना। हमेशा मुझे शार्पनर वर्सेस इरेजर में से यही कलर निकलते हैं। मुझे लगता है अप्सरा वालों का कलर ही यही है। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड के पास ऐसी किट है और उसके पास ऐसा पिंक कलर का है। तो चेंज कर लेना कल। नया उसको दे देना, पुराना उससे ले लेना। आपका फेवरेट कलर आ जाएगा आपके पास। तो ये थे स्माइरा के लिए दो गिफ्ट्स। कैसे लगे स्माइरा आपको? बहुत अच्छे लगे मुझे तो। बहुत अच्छे लगे फ्रोजन पेंसिल्स, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। यूनिक यही था इस किट में। यस, राइट। यस, तो गाइज आपको कैसे लगे दोनों गिफ्ट्स स्माइरा के, कमेंट्स में जरूर बताना। कौन सा गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताना। होप आपने हमारे इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, हमारे गेम्स को एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप सभी तक आ जाएं और आप हमारे ब्लॉग्स एंजॉय कर सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।